दोस्तों आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के हमारे लेक्चर की चेकलिस्ट ये है। हम इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो वर्ड से बनाए, एक है कार्बो, दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो इसका जनरल फार्मूला है CH2O। क्यों? क्योंकि कार्बन इज सी, H2O इज वाटर। तो इसका जनरल फार्मूला CnH2nOn भी होता है। इनके एग्जांपल्स ये हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज, स्टार्च, माल्टोज, सेरिलोज, ग्लाइकोजन। दोस्तों जो ट्रायोज है वो थ्री कार्बन शुगर होती है, C3H6O6 फार्मूला है। ट्रेट्रोज 4 कार्बन शुगर है और ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अगर वो सिंपल्स होते हैं तो उनके एग्जांपल्स ये हैं, ट्रायोज, टेट्रोज, ग्लूकोज, ये सारे के सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनके एग्जांपल्स ये हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो दुनिया के सारे जानदारों में पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी के लिए हमें ये लेना जरूरी होता है। तो ये ह्यूमंस में भी होता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ फंजाई में भी प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पे। दोस्तों पहले ये मैं बताता चलूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सैकराइड। सैकराइड इज टेकन फ्रॉम द सैक्रोन, और सैक्रोन का मतलब होता है शुगर, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कहते हैं। इसको हमने क्लासीफाई किया है इस तरह से, चार क्लासिफिकेशन में, चार कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। एक एक करके सारी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोनोसेक्राइड पे। दोस्तों मोनो मीन्स वन एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। तो वन शुगर मॉलिक्यूल होती है उसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं, जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, एक्सोज, ये हो गए। अगर हम आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, अब वो है डाइसेक्राइड। डाई मीन्स टू, सेक्राइड टेकन फ्रॉम द शुगर, टू शुगर मॉलिक्यूल। जब भी दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं, दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगो मीन्स फ्यू, सेक्राइड मीन्स शुगर, फ्यू शुगर, फ्यू कितनी। दोस्तों मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, और ओलिगो मीन्स टू टू टेन शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ओलिगोसेक्राइड बनती है। आखिरी क्लासिफिकेशन है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मीन्स मैनी, जब मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब मैनी कितने, जारी बात है टू टू टेन तो ओलिगो है, तो मोर देन टेन, फिर कितने भी हो, 11 हो, 12 हो, उनको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अब एक एक करके इन सबको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मोनोसेकेराइड पे। तो जो मोनोसेकेराइड है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर है। दोस्तों जो मोनोसेकेराइड है वो सिंपलेस्ट है, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होती है और इसीलिए ये स्वीट इन टेस्ट भी होती है। सबसे स्वीटेस्ट इन टेस्ट मोनोसेकेराइड होती है। ये जब के सबसे सिंपल है इसीलिए हम इसको ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसकी ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। इनके एग्जांपल्स की बात करें, इनमें सारे के सारे जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि ये मोनोसेकेराइड है तो मोनो इज ए वन शुगर मॉलिक्यूल। तो वन शुगर मॉलिक्यूल का एग्जांपल्स मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें 3 से 7 कार्बन एटम आते हैं। अगर 3 है तो वो ट्रायोज होगा, 4 है तो टेट्रोज होगा, अगर 6 है तो वो हेक्सोज होगा। हेक्सोज में हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक ऐसी शुगर है जो हमें ग्रेप्स में मिलती है। दूसरी हमारे पास फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक ऐसी शुगर है, ऐसा मोनोसेकेराइड है, वो हनी में मिलता है। तीसरी है गैलेक्टोज, वो हमें मिल्क में मिलती है। अब हम आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, डाइसेक्राइड्स।
डाइसैकेराइड्स, डाई मीन्स टू, सैकरिन मीन्स सैकराइड, सैकराइड मीन्स शुगर, दो शुगर मालिक्यूल मिलते हैं तो उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, पीछे हम मोनोसैकेराइड पढ़ के आए, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज दो मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं तो एक डाइसैकेराइड बन रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बन रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सक्रोज बनता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। तो माल्टोज सक्रोज और लैक्टोज ये डाइसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। जो माल्टोज है वो हमें बर्गर में मिलती है, चॉकलेट में मिलता है, पिज्ज़ा में मिलता है। अगर हम सक्रोज की बात करें वो शुगर केन और ग्रेप्स में मिलती है, और अगर लैक्टोज की बात करें तो वो मिल्क में मिलती है। अब हम आते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन पे कार्बोहाइड्रेट्स की, और वो है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों मैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में अभी बता चुका हूँ कि ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सैकेराइड इज टेकन फ्रॉम द सैक्रोन एंड सैक्रोन मीन्स शुगर। फ्यू शुगर मालिक्यूल्स, 2 to 10 शुगर मालिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ओलिगोसैकेराइड बनती है। दोस्तों जो डाइसैकेराइड होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड्स में ही आते हैं, क्योंकि डाइसैकेराइड में 2 शुगर मालिक्यूल होते हैं और इसमें 2 से 10 शुगर मालिक्यूल होते हैं। अब हम आते हैं आखिरी क्लासिफिकेशन पे कार्बोहाइड्रेट की, वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है कि पॉली मीन्स मैनी एंड सैक्रोन मीन्स शुगर, इसमें मैनी शुगर मालिक्यूल्स होते हैं, और मैनी कितने अभी बता चुका, मोर देन 10 शुगर मालिक्यूल्स जब मिलते हैं तो इसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सारे के सारे मालिक्यूल्स होते हैं शुगर मालिक्यूल्स, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब इनको भी ज़्यादा हमने फर्दर डिवाइड किया है अलग अलग। अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सिंपल शुगर हम बता के आ गए, जो जैसे कि मोनोसैकेराइड हो गई, वो शुगर में सॉल्युबल होती है। अभी मैंने बताया कि जब ये इनसॉल्युबल होती है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसका, जबकि ये कॉम्प्लेक्स होती है इसीलिए हम इसको ज़्यादा फर्दर ब्रोक डाउन कर सकते हैं सिंपल शुगर में। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें 3 एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इनके। पहली है सबसे पहले स्टार्च, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लाइकोजन, और तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सेल्युलोज। एक एक करके तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। सबसे पहले हम आते हैं स्टार्च के बारे में। दोस्तों जो स्टार्च होती है उसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में लीनियर फॉर्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो स्टार्च बनती है। दोस्तों जो स्टार्च है वो एक्चुअली रिजर्व फूड है प्लांट्स की, यानी कि प्लांट्स में जो भी फूड होता है वो एक्स्ट्रा स्टोर करके रखता है, ताकि ये हर वक्त तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं, ताकि मुश्किल वक्त में उस खाने को वो यूज़ कर सके। दोस्तों जो स्टार्च होती है वो लीव्स में भी होती है, सीड्स में भी होती है, रूट्स में भी होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे राइस हो गए, पोटैटोज हो गए, और ये हमारे पास कॉर्न्स हो गए, ये सारे के सारे रिजर्व फूड होते हैं प्लांट्स के, लेकिन हम खा जाते हैं क्योंकि वो सोर्स उनके लिए थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा होती है तो वो रिजर्व फूड होता है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम, ग्लाइकोजन पे। दोस्तों जिस तरह स्टार्च रिजर्व फूड होता है प्लांट्स का, इसी तरह ग्लाइकोजन भी रिजर्व फूड होता है एनिमल्स का, जब इसीलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जारी बात है, हर वक्त तो एनिमल्स खाते नहीं, तो जब नहीं खाते तो उनको तो खाने पीने, उनको तो एनर्जी चाहिए, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसी रिजर्व फूड से मिलेगी जो हम स्टोर करते हैं। और कहाँ कहाँ में स्टोर करते हैं एनिमल्स, लिवर में स्टोर करते हैं, मसल्स में स्टोर करते हैं। दोस्तों जब ग्लाइकोजन स्टोर होता है और हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हम खाते नहीं या फिर हम रोजे में होते हैं, तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है उन्हीं मसल्स में निकलकर या उन्हीं लिवर से निकलकर। वो एक मैकेनिज्म होता है अलग, वो मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है तो हमारा ब्रेन पेनक्रियाज ऑर्गन होता है उसको सिग्नल भेजता है ताकि वो हार्मोन्स रिलीज करे, फिर वो हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, वो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, मतलब हमारे मसल्स में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर भी करते हैं और वहाँ से ग्लूकोज निकालकर हमारे ब्लड में भी डालते हैं ताकि मुश्किल वक्त में या एनर्जी की ज़रूरत हो तो वो पूरी हो सके। अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड की आखिरी क्लासिफिकेशन पे, वो है सेल्युलोज। पहले चैप्टर में सेल्युलोज के बारे में बता चुका हूँ ये क्या होती है, अभी भी फिर से बता देता हूँ कि जो सेल्युलोज होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जब प्लांट्स में प्रेजेंट होती है कहाँ होती है,
ये एक्चुअली प्लांट के सेल का मेन कंपोनेंट होता है, सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। सेल वॉल क्या होती है, प्लांट का जो सेल होता है ना उसकी आउटर बाउंड्री को हम सेल वॉल कहते हैं। तो प्लांट की जो आउटर बाउंड्री होती है ना सेल वॉल, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आप सेल वाला चैप्टर देख लें, सेल वाले लेक्चर में मैंने वहाँ पे इसकी डिटेल्स बताई है कि आउटर बाउंड्री किस चीज़ की बनी होती है, किस तरह बनी होती है। दोस्तों एक चीज़ आप याद रख लें, नोट कर लें बन के, ये मेन चीज़ है दोस्तों, जो एनिमल्स होते हैं ना वो सेल्यूलोज खाते तो हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए अल्लाह पाक ने हमारे पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रखे हैं जो इसी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये ना हो तो हम सेल्यूलोज को यानी कि एनिमल्स है इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ना कर सकें। अब हम आते हैं फंक्शंस पे कार्बोहाइड्रेट्स के। दोस्तों जो पहला फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का वो है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए तो हम हर वक्त काम कर पाते हैं, अगर ये ना हो तो हम काम ना कर पाएं। दूसरा है कि स्टोर इज द रिजर्व फूड, हम हर वक्त तो खाते नहीं, कभी रोजे में होते हैं या फिर दो तीन बार दिन में खाते हैं, तो हमें फूड कहाँ से मिलता है, यही रिजर्व फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन द एनिमल्स, स्टोर होता है वो यूज करते हैं। तीसरी है फंक्शन इसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, यानी कि स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं, जैसे सेल्यूलोज मैंने बता दिया कि सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये लेक्चर आपके किसी दोस्त या रिलेटिव के काम आ सकता है तो मेरी वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोज़ देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।